तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूप। लूप का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, आज के हम इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लूप पे हमने आपको बताया था कि बेसिकली लूप दो तरह के होते हैं। दूसरा एक होता है हमारा फॉर लूप और दूसरा हमारा होता है डू लूप। तो फॉर लूप के हमारे पास दो पार्ट जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था, फोर आई एंड दूसरा था फोर इच। आज हम बात कर रहे हैं डू लूप में डू वाइल एंड डू अंटिल। तो डू वाइल एंड डू अंटिल लूप को आज हम आपके साथ यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डू वाइल लूप। देखिए फोर आई में आपने दिया था कि 1 से 100 चले, एक स्टार्टिंग पोजीशन एक एंडिंग पोजीशन था। फोर ईच में हमने सिलेक्शन वर्कबुक का एरे दिया था। डू वाइल में हम देते हैं कंडीशन कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारा वर्क हो। कैसा कंडीशन? तो चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं और इसके लिए हमने एक सेल्स में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब इस नंबर्स में हमें क्या करना है कि जस्ट चेक करना है कि अगर इसमें नंबर है जिसके सामने 500 की वैल्यू दे दे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कहाँ से शुरू होना है कहाँ से खत्म होना है, जस्ट हम उसको ये बता रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि ये हमारा जो नंबर है इसमें एड्रेस, बल्कि कॉलम ए में जहां तक वैल्यू है वहां तक चले और कॉलम बी में 500 दे दे। सिंपल सा कंडीशन हम लूप को समझने के लिए बता रहे हैं। फिर इस पे हम एक ऑफिशियल एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इंसर्ट मॉड्यूल्स में जाते हैं, सब्जेक्ट डू लूप 1, ये हमने मैक्रो नेम डिफाइन किया ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैं यहां पे देता हूं डिम एक आर एज ए इंटीजर ले लिया और यहां आर इक्वल टू हम करते हैं आर इक्वल टू 1 करते, माफ कीजिएगा, देन डू वाइल रेंज कॉलन ए, इसके साथ हमने आर को कंबाइन किया ताकि ए वन है ना, आर इक्वल टू 1 से आर 1 हो गया तो यहाँ पे A1 B1 C1 हो जाएगा। डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो क्या करें, तो रेंज B के साथ हमने R को कॉन्किनेट किया, डॉट वैल्यू इक्वल टू 500 दिया एंड आर इक्वल टू आर प्लस 1 एंड लूप कर दिया। ये देखिए अगर इसको मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए, तो इसने इसको ये इससे कोई मतलब नहीं है कि कॉलन ए में कितना बार वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं। हमने यहां पे कंडीशन दे दिया कि आर जो है अगर ग्रेटर देन 0 है तो बी वाले कॉलन में 500 हमें देना है, और ये हमने बार बार हमारा ये चेंज हो A1 B1 C1 हो इसलिए हमने R R को लिया हुआ है। तो आशुतोष जी, मुकेश जी, राजू जी, समझ में आया चीज आपको? कोई नहीं सर, डाउट इसमें? नहीं सर। अब डू अंटिल लूप के बारे में चलते हैं। डू अंटिल लूप को भी हम सेम करते हैं। देखिए डू वाइल की अपोजिट होता है अंटिल, काम तो सेम वही करता है लेकिन वो अपोजिट यूज का होता है। तो यहां पे हमने बोल दिया कि दिस इज इक्वल टू 0, डू वाइल अंटिल। तो यहां पे क्या है कि जब तक कंडीशन मिलेगा तब तक आपका लूप चलेगा। यहां पे क्या है कि जब तक कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक लूप चलेगा। सॉरी यहां 2 देना पड़ेगा।
समझ गए? तो डू वाइल जो होता है अंटिल का अपोजिट होता है, कि जब तक कंडीशन नहीं मिल रहा है तब तक चलेगा, जैसे कंडीशन मिल जाएगा वो इसको हटा देगा। मतलब कि अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूं और फिर मैं इसको चलाऊं, देखिए मैं यहां पे 500 कर लिख दूं तो चलेगा। तो डू अंटिल एंड डू वाइल का डिफरेंस समझ में आया आशुतोष जी? यस सर। डिफरेंस समझ में आया आपको? जी सर आया। अब चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। अब देखिए आगे चल के आपको मैसेज बॉक्स एक रिपोर्ट बनाना है, और रिपोर्ट बनाने में क्या है कि एक और रिपोर्ट को ऑटोमेट करना है। तो आपको एक मंथली रिपोर्ट बनाने का एक मैक्रो बनाना है, जहां पे आप मंथ रन करते समय यूजर मंथ डालेगा और उस मंथ के अकॉर्डिंग वो बाकी डेटा के ऊपर फिल्टर पिवट सिवट चार्ट वार्ट सब लगा के वो आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा कि मंथ डालना होगा, जैसे कि डिम एम एज ए हमने स्ट्रिंग ले लेता हूं और यहां पे लिखता हूं एम इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां पे कर दिया कि एंटर मंथ। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब इसके आगे हम मंथ लेके फिर आगे अपना रिपोर्ट का कोडिंग करेंगे, फिलहाल इतना ही समझिए। बट यही भी एक प्रॉब्लम क्या होगा कि जब रन होगा यूजर के सामने इस तरह का इनपुट बॉक्स आएगा जहां पे वो मंथ लिखेंगे। जैसे इसने यहाँ पे जैन लिख के ओके किया तो ये आपका एम के ऊपर जैन स्टोर हो गया और फिर एम को लेके आगे अपने रिपोर्ट को हम कोड करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कुछ डाला ही नहीं, कैंसिल कर दिया या वो ब्लैंक डाल के ओके कर दिया, तो एम के ऊपर कोई मंथ तो है नहीं। अब आगे जहां पे हमने एम को फिल्टर लगा रखा है मंथ के अकॉर्डिंग, वहां तो एरर होगा। तो इन शॉर्ट मुझे करना है कि ये ओके और कैंसिल तब तक ना हो जब तक कि इसमें पासवर्ड ना जब तक इसमें कोई नाम ना डले, राइट? जैसे आपका पासवर्ड में होता है कि जब तक आप करेक्ट पासवर्ड नहीं डालते हो तब तक ये आपका पॉपअप नहीं हटता है, सेम उस तरह चाहिए। तो इसके लिए मैं यहां पे लगाऊंगा कि डू अंटिल एम इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड लो। यहां पर अंटिल का टूट किया क्योंकि पहले एक बार चलना पड़ेगा इसको, तब तो ये हमको चेक करेगा ना। अगर हम डू वाइल लगा देंगे तो कंडीशन ट्रू होने पे चलेगा, बड़े तो कंडीशन फॉल्स होने पे चलता था। यहां पे हमें फॉल्स ही कंडीशन चाहिए ना, क्योंकि एम पे कोई वैल्यू डली नहीं है इसलिए दिक्कत होगा। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे जैसे कि मैं कुछ ना डालू कैंसिल कर दूं तो ये फिर अपीयर कर रहा है, और यहां पे मैं डाल दिया जैसे मैं जैन डाल दिया तो ये मेरा वर्क करेगा। सेम इसका यूज एक जगह और भी कर सकते हो, जैसे कि मैं सीट 3 पे कर दिया एक्टिवेट और सिलेक्शन चेंज नहीं, यहां पे एक्टिवेट कर देता हूं। तो मैं चाहता हूं जब तक वो पासवर्ड ना डाले तब तक मेरा लूप ना चले, तब तक मेरा मैंने कि सीट पे काम ना करने दे। तो मैंने यहां पे लिखा डिम पी एज ए रेंज, पी एज ए स्ट्रिंग, माफ कीजिएगा स्ट्रिंग, और हमने डू until p is not equal to blank और फिर यहां पे हम दे दिए कि p equal to input इनपुट बॉक्स ब्रैकेट ओपन और यहां पे लिखता हूं एंटर पासवर्ड और यहां पे लूप दे देता हूं। अब देखिए नहीं, पी इज नॉट इक्वल टू, हमने ब्लैंक नहीं करना है, हमें
यहाँ पे अंटिल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वाइल होगा, अंटिल होगा। यहाँ पे इक्वल टू हम करेंगे, मान लीजिए कि फी। अब यहाँ पे मैं पी डाल के ओके करूंगा तो सीट थ्री पे हमको आने देगा। जब सीट थ्री पे गए जाते हैं उससे पासवर्ड डाले, जैसे हमने गलत पासवर्ड डाल दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। पी डालूंगा तो मुझे सीट पे काम करने देगा। समझ में आया सर? संतोष जी समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? संतोष जी पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हेलो, या आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, बेसिकली ये आपकी डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास में आप क्लास मीडियम क्लास टाइप मेथड इसको आप ऑब्जर्व करें। जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो मैं बेसिक से शुरू से स्टार्ट करूंगा हर कंसेप्ट को। ओके सर, वहां पे टू पॉइंटिंग जो लगाए थे आपने, हां टू अंटिल लगाए और एम के ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक कर दिया, तो वहां पे पासवर्ड है फिर क्या होगा वहां पे? डू क्या बोला आपने? टू अंटिल स्पेस एम और उसको ब्रैकेट के अंदर जो आपने किया है डबल इनवर्टेड कॉमा ब्लैंक छोड़ दिया, वो क्या होगा सर? नॉट, मतलब कुछ ठीक है ना, कि अंटिल मतलब कि जब तक नथिंग है तब तक चलते रहे, जैसे ही कुछ पे डलेगा तो फॉर ट्रू हो जाएगा ना। समझ गए? अब इसमें एक और एग्जांपल बताते हैं और उस एग्जांपल पे हम आपको काम देंगे, ठीक है? ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो बेसिकली क्या है कि मेरे पास एक फोल्डर है, मुझे इस फोल्डर के सारे फाइल, ये सारे फाइल का लिस्ट चाहिए, समझे? अब इसमें 10 हो सकते हैं या 1000 हो सकते हैं, तो इसके लिए करेंगे कि डीम एफ एन एज ए स्ट्रिंग और एफ एन इक्वल टू डी आई आर। एक डी आई आर डायरेक्टरी फंक्शन होता है जो कि फाइल को चेक करता है। हमने यहां पे लिखा स्टार डॉट एक्सएलएस एक्स और स्टार, या एम दे सकते हो, एक्सएलएस एम भी हो सकता है, एक्सएलएस एक्स भी होता है, इसे स्टार डाल दिया। फिर यहां पे कॉमा हमने दिया, टीवी यहाँ पे वीवी नॉर्मल होना चाहिए, वीवी नॉर्मल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये डायरेक्टरी, अच्छा ओ यहाँ पे इसलिए दिक्कत था, अब ठीक है। अब मैं यहां पे एक कर दूं, यहां पे आ गया सीधा, फिर एक के नीचे एक चाहिए मुझे, या लिखूंगा रेंज ए 65000 डॉट एंड एक्सएलएस ऑफसेट डॉट ऑफसेट याद रहा रिजर्व पे डॉट 1.0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ। मैं इसको रन करता हूं, तो रन करते ही आपने देखा कि सिर्फ एक फाइल नाम दिया। अब डायरेक्टिव फंक्शन को मिला तो बहुत सारे फाइल का नेम, लेकिन वो एक बार में एक ही फाइल को देगा, बाकी चीजें उसने अपने अंदर स्टोर रखा हुआ है। अब मुझे दूसरी फाइल नेम चाहिए तो मुझे यहां लिखना होगा एफ एन इक्वल टू डी आई आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और फिर मैं इसको कॉपी करके करूंगा तो फिर वो दूसरी फाइल नेम को डाल देगा। इसको रन करके देखिए,
तो इसने दूसरी फाइल नेम दे दिया। तो आप कहने का मतलब है कि ये जो दो लाइन आपके है, इस दो लाइन को हमें उतना बार रिपीट लिखना है जितना बार हमें जितनी फाइल्स है, बट कितनी फाइल्स है आई डोंट नो। तो कैसे लूप लगाएंगे, तो इसलिए हमने लूप में हमने दे दिया यहां पे, इसको लूप में दिया कि लूप डू व्हाइल fn इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहां पे हमने लूप दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूं, तो जितने भी फाइल के नेम थे सारे फाइल का नेम यहां पे दे दिया। अब आपका हो सकता है कि एक स्लैश ना हो, तो कोई भी फाइल जो फाइल चाहिए आप इसका एक्सटेंशन यहां दे दीजिए। अगर कोई फाइल नेम नहीं है, आप सारा फाइल चाहते हो एवरी फाइल, तो स्टार डॉट स्टार, ठीक है। हेलो ये समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? जी सर, पर्टिकुलर को ये एक्सटेंशन साथ ब्राउज करना है तो उसके लिए एक्सटेंशन लिख दें, सारे फाइल को ब्राउज करना है तो एक्सटेंशन हटा करके स्टार्ट और स्टार्ट कर दें। हाँ, और किसी को डाउट है? अब आपको इससे क्या करना है, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि कई एक फाइल में अगर कई सारे शीट्स के डेटा को एक शीट पे कॉपी करना हो तो हम कैसे करते हैं, पता गया अब था आपको? याद है सर? यस सर, यस सर, याद है। तो आप अब क्या करें, इसमें तो ये एग्जाम्पल आपको सारे फाइल का लिस्ट हो गया, अब एक एक करके फाइल को आप ओपन करवाए, एक एक करके फाइल को आप ओपन करवाए और फिर उस फाइल को डेटा, उस फाइल की जो डेटा है उस डेटा को कॉपी करवाए। आपका ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो हम आपको क्या बोला, समझ में आया आपको नहीं आया? नहीं सर, आ गया। एक अलग फाइल में अपेंड कराना ना सारा डाटा। हाँ, मतलब कि 10 फाइल और 20 फाइल एक फोल्डर में बहुत सारे फाइलें रखी है, उन फाइलों का डेटा आपको एक फाइल पे कॉपी करना है। ठीक है। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। आज ही बता दो। नहीं सर, आप ट्राई कीजिए ना, आपको बस फाइल देखो क्या करना, मैं हिंट दे देता हूँ। चलिए, ये मेथड मैंने आपको दे दिया ना सर, ये मेथड सेम रहेगा। जहां पे आप ए डायरेक्टली ए ओपन करवाते ये नहीं होगा, यहाँ पे आप वर्कबुक ओपन करवाओगे, चले ठीक है, फिर डेटा को कॉपी करोगे, फिर नई जिस फाइल में पेस्ट करना उस पेज में आकर पेस्ट करोगे, वर्कबुक को क्लोज करोगे, दूसरी फाइल ओपन होगा, ऐसे लूप चलता रहेगा, क्योंकि वो हर बार फाइल नेम आपके सामने है, डायरेक्टली आपके सामने है, जस्ट ओपन करवा के डेटा सिलेक्ट करके कॉपी तो करना है आपको, और इतना आप नहीं कर पाते हैं, मतलब कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और पिछली क्लासेस की रिवीजन की भी जरूरत है, क्योंकि आपको फाइल ओपन करने आता है, डेटा सिलेक्ट करने आता है, कॉपी करने आता है, पेस्ट करने आता है, ये सारा चीज मैं बता रखा हूँ, और फाइलों का लिस्ट आपके सामने दिख रहा है। तो ट्राई कीजिए, तो पता चलेगा कि पीछे की चीज आपने कितना पढ़ा है, तभी तो मैं टॉपिक किस टॉपिक को रिपीट करूं मुझे पता चलेगा। ओके ठीक है, कीजिए, फिर कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन करते हैं।